पूरे मुंबई में, पूरे मुंबई में देखिए, गए तो पीले शर्ट में थे, उनको किसी ने कपड़े नहीं पहुँचाए, तो पति चोर जो कपड़े भी पहुँचा रही है, बहुत सारी चीज़ें पहुँचा रही है, हाँ दूसरों के पतियों के ब्लैकमेल किए हुए पैसे जो है मेरे पति पे उड़ा रही है, उसे ऐसा लगता है कि ये छुट के आएगा और मुझसे शादी करेगा। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी आपने शर्लिन और मैं देखती हूँ आप कैसे शादी करती हो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ अभी। yes, और आदिल से शादी करना इतना आसान नहीं है। yes, आदिल कितना भी कहे मैं मुसलमान हूँ, मैं चार चार शादियाँ करूँगी, ना मुस्लिम लो भी इतना इजाज़त नहीं देते। हाँ आप सिर्फ निकाह करते तो आपको, आप मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन सल्यूट करती हूँ, धन्यवाद मोदी जी, आप जुग जुग जियो मोदी जी, देश की सारी महिलाएं आप, मैं आपके चरण छूती मोदी जी, सारी महिलाएं मुसलमान महिलाएं आपको सलाम करती है कि आपने वो तीन तलाक का जो निकाला है कानून, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं पता कि तीन तलाक का जो कानून मुझे भी एक दिन लागू पड़ जाएगा, मुझे नहीं पता था। अगर मेरे पति ने ऐसा मेरे साथ किया तो फिर से वो एक केस बनेगा, तो बेहतर है मेरा पति मुझे तलाक ना दे। मेरा रजिस्टर मैरिज भी है ना, कोर्ट से दे और ना तीन तलाक मेरे सामने कभी यूज़ भी ना करे ये शब्द। तो ये पति चोर जो है लड़की, मैं कह देना चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ मेरे पति से शादी करने के लिए।